वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। आई नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र और केरल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की वापसी कर दी है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 14,000 से ज्यादा नए मामले मिले हैं, जिससे सक्रिय मामलों की संख्या 1.5 लाख के करीब पहुँच गई है। कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार 88 दिन से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अपना आंदोलन तेज करने के लिए 23 से 27 फरवरी के बीच कई कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा है कि वे प्रदर्शन को लंबे समय तक चलाने के लिए जल्द ही नई रणनीति तैयार करेंगे। कासगंज कांड के मुख्य आरोपी मोती सिंह को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। उसके पास से पुलिस ने दरोगा की गायब पिस्टल भी बरामद की है। याद दिला दें कि मोती सिंह सिरपुरा थाने के सिपाही की हत्या और दरोगा को बुरी तरह से घायल करने की घटना का मुख्य आरोपी था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा आज पेश किया जाने वाला बजट कई मायनों में खास माना जा रहा है। खास बात यह भी है कि योगी आदित्यनाथ भाजपा सरकार के पहले मुख्यमंत्री हैं, जिनका लगातार 5वीं बार बजट पेश हो रहा है। बजट 2021-22 उत्तर प्रदेश सरकार का पहला पेपरलेस बजट होगा। असम और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आज दोनों राज्यों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने वो कई अहम परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का ये दौरा खास है। दोनों ही जगह पीएम मोदी जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।